Hello everyone, good morning. Welcome to our class 6. हम आज class 6 में part number 1 भाषा और व्याकरण इसी को continue करेंगे. इससे पहले वाली class में हमने इस chapter की half explanation की थी complete. ठीक है, हमारी half explanation लगभग कह सकते हैं कि पूरी हो ही चुकी थी. बस कुछ topic थे ऐसे जो clear नहीं हुए थे, जिनका आज हम जिसको clear कर लेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. साहित्यिक भाषा. भाषा क्या होती है? अपने विचारों को या अपने भावों को कि जो आदान प्रदान का जो साधन है, जो यानी कि हम अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और उसके विचारों को सुनते हैं, समझते हैं. ठीक है, तो वो क्या है? भाषा है. भाषा माध्यम है अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाने का और उसके विचारों को समझने का. भाषा के रूप दो तरीके के होते हैं, मौखिक एंड लिखित. और एक और होती है जो कि सांकेतिक भाषा कहलाती है. और क्योंकि हम हर जगह सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसका इतना महत्व नहीं होता है. भाषा को जो लिखने का ढंग होता है वो लिपि कहलाता है. कि हम किस जो हम मौखिक भाषा में बोलते हैं, जो हमारी ध्वनियाँ मुंह से निकलती हैं, ठीक है, तो ये जो ध्वनियाँ हैं, ये जो जब हम ये जो चिन्ह हैं, ध्वनियों के जो चिन्ह हैं, जब हम इसका जो लिखित रूप होता है, जब हम लिखते हैं ये जो बोला उसे हमने जब लिखा, तो जो लिखने का जो ढंग है वो हमारा क्या कहलाएगा? लिपि कहलाएगा. ठीक है, तो ये तो हमारी भाषा, भाषा के रूप और लिपि था. अब नेक्स्ट है हमारा साहित्यिक भाषा. तो जो साहित्यिक भाषा है ये बोलचाल की जो भाषा होती है, यानी कि जो हमारा मौखिक भाषा है, हमारी लिखित भाषा है. ठीक है, तो इसी तरह एक प्रकार की ये भी भाषा होती है साहित्यिक भाषा. लेकिन जो हमारी बोलचाल वाली जो लैंग्वेज होती है, जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है, अगर उसकी तुलना इस भाषा से करें तो देखा जाता है कि इस भाषा का जो प्रयोग है वो कम किया जाता है. क्योंकि ये जो साहित्यिक भाषा होती है इसका अधिकांश प्रयोग जो साहित्यिक जो कार्य होते हैं, यानी कि कहानी लिखना है, निबंध लिखना है, नाटक लिखना है, उपन्यास लिखना है, कविताएं लिखना है, ठीक है, तो ये जो भाषा होती है इसका प्रयोग ज़्यादातर इन वाले जो कार्य हैं, इन वाले जो काम में हैं, इनमें किया जाता है कि हम कुछ साहित्यिक तरीके से लिखें, कोई कविता लिखें, कोई नाटक लिखें, कोई कहानी लिखें या कोई उपन्यास लिखें. ठीक है ना. लेकिन जो ये जो भाषा होती है साहित्यिक भाषा, इसको अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें, व्याकरण के अनुसार अगर आप इसको देखेंगे, तो ये जो बोलचाल की हमारी भाषा होती है तो उससे ज़्यादा ये शुद्ध मानी जाती है. ठीक है, इसमें जो हमारी गलतियाँ होती हैं उसका चांसेस कम होते हैं, ये ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है. जो साहित्यिक भाषा है इसका प्रयोग लिख लेते हैं ताकि याद रहे. इसका प्रयोग कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, ठीक, आदि और भी कई सारी चीज़ें रह गई हैं इसमें, को लिखने में किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रभाषा. राष्ट्रभाषा सुनकर आपको याद आया होगा कि हमारी जो भारत है उसकी राष्ट्रभाषा क्या है. तो आप लोगों को सबको पता होगा कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है. तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? देखिए, राष्ट्रभाषा जो है, जैसे कि राष्ट्रभाषा, तो किसी भी देश का जो बहुसंख्यक समाज होता है, यानी समाज के जो अधिकांश लोग होते हैं, तो वो राष्ट्रभाषा कैसे बनती है? तो जो किसी भी देश का जो समाज होता है, तो वो ज़्यादातर समाज जिस भाषा का प्रयोग करता है, उस देश का ज़्यादातर समाज, बहुसंख्यक समाज जिस भाषा का प्रयोग करता है, वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है. जैसे कि अब भारत को ले लीजिए आप, भारत के जो अधिकांश राज्य हैं उसमें हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है. बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है,
पंजाब में अलग किया जाता है, उड़ीसा में अलग किया जाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन अगर आप पूरे देश की बात करें तो उसका बहुत, उसका जो अधिकांश भाग है वो हिंदी का ही प्रयोग करता है। तो इसीलिए हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है, ठीक है। साहित्यिक भाषा, जिस भाषा का प्रयोग ज़्यादातर कहानी, कविता, उपन्यास या नाटक वगैरह लिखने में किया जाता है, वो तो हमारी साहित्यिक भाषा हो गई, ठीक है। और जो राष्ट्रभाषा है, तो ऐसी भाषा जो देश के बहुसंख्यक यानी अधिकांश समाज के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, ऐसी भाषा जो देश के बहुसंख्यक समाज के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है। तो ये तो हमारा जो भाषा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो क्लियर हो गए हैं। अब आते हैं व्याकरण की तरफ, ठीक है। जो हमारे भाषा के जितने भी टॉपिक थे, जितनी भी चीज़ें थी, वो हम लगभग सब पढ़ चुके हैं। अब भाषा को देखते हैं, सॉरी व्याकरण देखते हैं, व्याकरण क्या है। तो देखिए, जितनी भी हमारी भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं को बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, हर भाषा के अपने अलग नियम बने हुए होते हैं, है ना। हर भाषा को पढ़ने के, लिखने के अलग ढंग होते हैं, अलग नियम बने हुए होते हैं। तो ये जो भाषा को लिखने के जो ढंग होते हैं, नियम होते हैं, जो इनका ज्ञान है, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें व्याकरण के माध्यम से ही मिलता है, ठीक। जब हमें व्याकरण का ज्ञान हो जाता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि हम किस भाषा को किस तरीके से लिखेंगे, किस ढंग में लिखेंगे, इसको लिखने के नियम क्या हैं, इसको पढ़ने के नियम क्या हैं। तो जब हमें ये सब चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं, पता चल जाता है, तो हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाते हैं, जो कि किसके माध्यम से जो है पॉसिबल है? व्याकरण के। व्याकरण के द्वारा ये हो सकता है कि आप भाषा को सही तरीके से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखें, ठीक है। तो व्याकरण का क्या काम है? व्याकरण क्या करता है? व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना व बोलना, लिखना, पढ़ना और बोलना व्याकरण के भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना व बोलना व्याकरण के माध्यम से ही किया जाता है। यानी कि जो व्याकरण है, उसी के, उसको पढ़ने के बाद ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि भाषा जो है हमें शुद्ध रूप में, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा भाषा और व्याकरण से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गए, ठीक है। तो आज हम अपने चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं उसको भी कंप्लीट करते हैं। आप लोग देखिए, ये बुक है भाषा संचय, और इसका पेज नंबर 9 पर फर्स्ट एक्सरसाइज है, भाषा और लिपि का मिलान करिए। और उससे पहले जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बेटा, वो आप लोगों को PDF में मिल जाएंगे, जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखने होंगे,
ठीक है। और ये जो मैचिंग है ये भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो जो जो आपको पीडीएफ में हैंड रिटन वर्क दिया जा रहा है वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे सही तरीके से, अच्छे से, बहुत प्यारे प्यारी राइटिंग बना करके आप अपनी कॉपी को मेंटेन करेंगे, जैसे कि स्कूल में करते हैं। फर्स्ट पेज पर अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, जिस डेट में जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी काम आपको जिस डेट में भी कर रहे हैं, जिस डेट में मिल रहा है वो डेट भी लिखेंगे, पार्ट और उसका नाम। जैसे ये लिखा हुआ है पार्ट वन भाषा और व्याकरण, तो पार्ट और उसका नाम बहुत अच्छी सी हैंडराइटिंग में क्लियरली लिखेंगे, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे और मैचिंग भी करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा वर्क होना चाहिए आपका जो सही तरह से समझ आ सके। तो ये एक्सरसाइजेज मैं आपको कंप्लीट करवाती हूँ अभी, और बाकी जो वर्क है आपको पीडीएफ में भी मिलेगा, जिसके थ्रू आप अच्छे से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो गया है, आपने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, आई होप आपको समझ भी आया होगा। तो आप जो एक्सरसाइजेज हैं इसके बिहाफ पर खुद भी कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है, और उसके बाद जो आपको पीडीएफ में वर्क मिलेगा उससे आप चेक करेंगे कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है, जो कि आपको पता चल जाएगा। तो हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 है, भाषा और लिपि का मिलान कीजिए। भाषा और लिपि का मिलान, ठीक है, तो वन साइड आपको भाषा दे रखी है, एक साइड भाषा लिखी है और एक साइड इसकी लिपि लिखी है, तो जो लिपि है उसके सामने वही लिपि लिखेंगे, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी, ठीक है। ये भाषा है, ये लिपि है, ठीक। तो हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, जो हमने लास्ट क्लास लिया था उसमें कुछ भाषाओं के और उनकी लिपि के नाम भी बताए थे आपको, और उसे याद करने के लिए भी बोला था। तो जो हिंदी की लिपि है वो है देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, और अंग्रेज़ी रोमन, ठीक है ना। तो यहाँ तो मैंने मैचिंग की हुई है, ऐसे करके लाइंस ड्रॉ करके मैच किया हुआ है, लेकिन जब आप नोटबुक में ये वर्क करेंगे भाषा और लिपि का मिलान, तो वन साइड भाषा लिखेंगे, वन साइड लिपि लिखेंगे, और जो हिंदी, पंजाबी, गुरुमुखी और अंग्रेज़ी, ये हमने जो भाषाएँ लिखी हैं इसकी लिपि आप इसके सामने ही लिखेंगे। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, तो हिंदी के सामने डैश लगाकर आप लिख देंगे देवनागरी, ठीक है ना। इस तरह से वर्क करना है, ये लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है आपको कॉपी में। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सही व गलत के निशान। तो ये मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, आप उसे मैं पढ़ के बता रही हूँ, आप इसको समझिए कि सही है या गलत है, और मैं यहाँ पर सही गलत भी बताती हूँ, ठीक है। पेज नंबर 10 पर है ये, ठीक, ऐसे ही बॉक्स बना लेते हैं जैसे कि बुक में बने हुए हैं आपकी। क, दो व्यक्तियों की बातचीत का माध्यम भाषा होता है। देखें, चाहे आप मौखिक रूप से बातचीत करें, चाहे आप लिखित रूप से बातचीत करें, लेकिन जो उसका माध्यम है, जो आपके विचारों का आदान प्रदान हो रहा है जिस माध्यम से, तो वो माध्यम तो भाषा ही है ना। तो दो व्यक्तियों के बीच बातचीत का जो माध्यम है वो भाषा है, तो यस, ये सही है आपका। गुरुमुखी पंजाब की राज्य भाषा है, तो गुरुमुखी पंजाब की राज्य भाषा है, तो पंजाब की राज्य भाषा क्या होगी, पंजाबी। और जो पंजाबी जिस लिपि में लिखी गई है वो लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। तो गुरुमुखी पंजाब की राज्य भाषा, ये तो रॉन्ग है, गलत है, आप पढ़ के ही समझ गए होंगे। ग, भाषा द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, तो सही बात है ना, भाषा के द्वारा ही तो आप बताते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो। लिखित भाषा में ध्वनियों के मौखिक रूप का आदान प्रदान होता है, तो हम अपना जो विचार हैं तो उसको लिखकर प्रकट करते हैं ना, मौखिक रूप से नहीं बताते हैं तब।
व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप हम भाषा का शुद्ध रूप सीखते हैं। तो सही बात है ना, ये अभी बताया है कि जो व्याकरण है वो हमें भाषा को सही तरीके से पढ़ना लिखना और बोलना सिखाती है। यानी आप जो लिख रहे हैं वो सही है, जो आप पढ़ रहे हैं वो सही है, ठीक है, या जो आपने सुना वो जो सुना आपने तो वो जो दूसरे व्यक्ति ने बोला वो सही था या नहीं सही था, कि कहाँ पर आपको किस शब्द का यूज़ करना है, किस शब्द का प्रयोग करना है, ये सब चीज़ें आपको व्याकरण के माध्यम से ही समझ में आती हैं। तो ये सही है, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भाषा द्वारा मनुष्य भावों और विचारों का करता है। अब आप अपने आप भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, किसका आदान प्रदान करते हैं, भावों और विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो किसके माध्यम से करते हैं, हम भाषा के। तो भाषा द्वारा मनुष्य भावों और विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान, ठीक है। खा है आपका, हमारी यह पुस्तक भाषा का रूप है। ये आपकी जो पुस्तक है ये कौन सा रूप है, क्या ये आपको बोलकर बता रही है कि इसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं ना, ये बोलकर थोड़ी बता रही है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बल्कि आप इसको पढ़ रहे हैं, आप इसे पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो पुस्तक कौन सा रूप हो गई, लिखित। कौन सा रूप हो गई भाषा का, लिखित। ध्वनि संकेतों को द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है, किसके द्वारा, लिपि के द्वारा। जो ध्वनि संकेत होते हैं, जो हमारे मुंह से ध्वनियां लिखी होती हैं, तो जो उसको हम किस तरह से करते हैं, लिपि के माध्यम से करते हैं। हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, यहाँ पे भी आपने देखा हुआ है ना, हिंदी की कौन सी लिपि है, देवनागरी। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, ओके। भाषा को शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो अभी अभी आपने पढ़ा हुआ है ना कि किस कौन सिखाता है भाषा को शुद्ध रूप में लिखना पढ़ना और बोलना, व्याकरण। कहानी नाटक उपन्यास आदि की रचना कौन सी भाषा में होती है, साहित्यिक, ठीक है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, ओके। ये तो क्लियर हो गया आपका, पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है आपको सही गलत और खाली जगह। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं, इसको हम पूरी राइट कर रहे हैं, ठीक है। इसको इससे आपको पता चल जाएगा जो व्याकरण जो है उससे आप जो वाक्य हैं उसे किस तरह सही से बोल पाते हैं और सुन भी पाते हैं, लिख भी पाते हैं। वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है। तो नंबर 1 है, का मंदिर में मूर्ति लगाया गया, मंदिर में मूर्ति लगाया गया। आप खुद से बोल के देखिए एक बार, आप लोग अपने आप से पहले इसको बोलेंगे, रिपीट करेंगे, मंदिर में मूर्ति लगाया गया। तो क्या ये आपको सही लग रहा है पढ़ने में, कोई गलती लग रही है इसमें, क्या गलती लग रही है, लगाई गई होना चाहिए, यही तो सोच रहे हैं आप, यहाँ पर होना चाहिए लगाई गई। तो यहाँ देखिए जो मूर्ति शब्द दे रखा है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग कर दिया है, यहाँ पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग कर दिया है, लगाया गया। आप जब पुल्लिंग शब्द में जो जो चीज़ें आती हैं जब आप उसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ना, लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ मूर्ति है, तो इसको जब हम अगर लिंग की दृष्टि से देखेंगे, लिंग के हिसाब से जब आप इसे देख रहे हैं, तो ये तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग आप इसे बताएंगे,
ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लगाया गया, तो आप क्या चेंज करेंगे यहाँ पर, जब इसको आप सही कर कर लिखेंगे इसकी मिस्टेक को ख़त्म करके, मंदिर में मूर्ति लगाई गई, ठीक है। ख है आपका चंद्रमा, आसमान के लिए चमकते हैं, चमकते हैं, चंद्रमा आसमान के लिए चमकते हैं। तो चंद्रमा कितने होते हैं, आपने रात में आसमान तो बहुत बार देखा होगा ना, तो आपने ये देखा होगा कि वहाँ पर चंद्रमा कितने होते हैं, एक ही होता है ना, हमेशा एक ही दिखता है। आप कभी भी देखेंगे जब चंद्रमा को देखेंगे तो वो सिर्फ एक ही होता है, जो तारे होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर चंद्रमा के लिए आपने यहाँ पर क्या है, के लिए चमकते हैं, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है, हालांकि जो चंद्रमा है वो तो एक होता है, तो ये गलत है ना। यहाँ पर आपको एक, यहाँ जब चंद्रमा एक है तो यहाँ पर भी एक वचन वाले शब्दों का ही प्रयोग करना है। तो चंद्रमा आसमान के लिए नहीं चमकता है ना, आसमान के लिए थोड़ी ना चमकेगा, क्या चंद्रमा चमकता है तो क्या आसमान में रोशनी होती है, वो हमारे नीचे पृथ्वी तक आती है ना, तो ये भी गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, चंद्रमा आसमान में चमकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह नवीन का साइकिल है, यह नवीन का साइकिल है, तो यह नवीन का साइकिल है, तो साइकिल है सही है, यह नवीन भी सही है। तो ये आपने यहाँ पे क्या देखा है, ये का गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ साइकिल की बात हो रही है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि साइकिल खड़ा है, क्या कहते हैं आप, साइकिल खड़ी है, क्या साइकिल वहाँ रखी है ना। तो जो इसका प्रयोग है आप स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं, तो ये का शब्द जो है यहाँ पर गलत आ रहा है हमारा, हम क्या लिखेंगे, यह है नवीन की साइकिल है, ओके। नेक्स्ट है, श्यामा पुस्तक पढ़ रहा है, श्यामा पुस्तक पढ़ रहा है, तो श्यामा क्या है, एक लड़की का नाम दिया हुआ है, श्यामा एक लड़की है ना, ये लिखा हुआ है पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है ये तो पुल्लिंग वाला हो गया, और ये श्यामा स्त्रीलिंग हो गई, तो ये हम उसको वहाँ पर बदल देंगे, यहाँ लिखेंगे हम श्यामा पुस्तक पढ़ रही है, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, मेरा पिताजी आ गया है, मेरा पिताजी आ गया है, तो क्या आप अपने पिताजी के लिए ऐसे बोलते हैं, मेरा पिताजी आ गया है, या कभी आपने किसी और को ऐसे बोलते हुए सुना है कि मेरा पिताजी आ गया है, नहीं, पिताजी को तो बहुत पिताजी का नाम तो आप बहुत सम्मान से लेते हैं ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेरे पिताजी आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है, कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है, तो यहाँ पर भी देखिए जो कुतुब मीनार शब्द है इसका प्रयोग हम करते हैं स्त्रीलिंग में, ठीक है, और ये ऊंचा है जो शब्द लिखा हुआ है ये पुल्लिंग का, जो पुल्लिंग से लिया गया है, पुल्लिंग के लिए लिया गया है, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार तो स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग के लिए लिया गया है, तो हम इसको चेंज करेंगे और यहाँ लिखेंगे कुतुब मीनार बहुत बहुत ऊंची है, ओके। ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज नंबर 5। अब है आपको एक्सरसाइज नंबर 6 और 7, पेज नंबर 10 पर ही है ये भी। एक्सरसाइज नंबर 6 में है, 5 भारतीय और 5 विदेशी भाषाओं के नाम लिखिए,
और क्वेश्चन नंबर 7 में है, भारत की 8 प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के नाम लिखिए। तो बेटा ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आपने जब इसको पार्ट को पढ़ा हुआ है तो इसमें बहुत सारी भाषाओं को भी बताया था, ठीक है, उसकी लिपि भी बताई थी, जो के राज्य की जो भाषाएं हैं वो भी बताई गई थी। तो ये मैं आपको कंप्लीट नहीं कराऊंगी अभी, ये आपको खुद करनी है, आप लोग अपने आप से करेंगे इनको। आप पाठ को दोबारा से रीड करेंगे बुक में देख करके, जो विदेशी भाषाएं हैं वो भी आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, जो भारतीय भाषाएं हैं वो भी पता है। एक बार आप पाठ को रीड कर लेंगे और अच्छे से पता चल जाएगा, और ये आपको खुद से फिल करनी होगी। और ये जो 8 प्रांतीय भाषा या बोली हैं ये भी आप खुद से फिल करेंगे पहले, और उसके बाद जब आपको PDF में जो वर्क मिलेगा उससे आप इसको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर कहाँ पर क्या गलती करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया आपका पार्ट 1, भाषा और व्याकरण हमारा ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ये ओवर हो चुका है, ठीक है। सो एंजॉय योर क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।